घर में सेलिब्रिटी कौन है क्या दिएगा मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम अब एक्टिव पूरा है भाई शिवानी जी एक बार फिर सब सभी का स्वागत है हमारे स्नैप ब्लॉग में गाइस एंड आज का जो दिन है मेरे लाइफ का सबसे खास एंड स्पेशल डे है बट क्या है स्पेशल एंड खास तो इसके लिए अगर आप लोग ब्लॉग के एंड तक बने रहेंगे तो आप लोगों को ज़रूर पता चलेगा एंड प्लीज़ अभी फ़िलहाल आप लोगों का वेल विशेज चाहिए बिकॉज ये तो स्टार्टिंग है तो आप लोगों का विशेज ज़रूर चाहिए गाइस सो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग के एंड तक एंड एन्जॉय कीजिए चलिए चलते हैं आगे कुछ देर और हम पहुंचने ही वाले हैं वहाँ जिस जगह का हम सबको आप लोगों को वेट है वहाँ हम पहुंचने वाले हैं पानी हमारे साथ जो शिवानी है वो जूस की दुकान पे पानी पीती है बिल्कुल पानी नहीं पीती है लेकिन इनकी खास बात ये है कि ये होम मेकर तो हैं साथ साथ एक से एक रील बनाती हैं और अच्छे रील बनाती हैं जिनको आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं एंजॉय कर सकते हैं तो शिवानी आप होम मेकर हैं घर चलाती हैं होम मिनिस्टर भी लोग कहते हैं कब आइडिया आया कि भाई हमको रील बनाना चाहिए जनरली लोग रील बनाने पर लोग कहते हैं अरे क्या ये सब कर रहे हो एक्चुअली मुझे 2020 में ये आइडिया आया कि नहीं मैं एक्चुअली घर पे रह के बोर हो रही थी बस जो भी घर के काम होते हैं इन सब चीज़ को करके एंड मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं होते थे तो मैं कहीं ना कहीं बोर फील करती थी फिर मुझे लगा कि नहीं कुछ करना है एंड वो चीज़ें हमें करना है जिस चीज़ में हमें इंटरेस्टेड फील हो इंजॉय हो काफ़ी अच्छा सा फील हो ओके तो फिर मुझे ये आइडिया आया कि नहीं हम सोशल मीडिया पे भी वो चीजें कर सकते हैं जो कि हमें भी इंटरटेन करे एंड पब्लिक को भी करे क्या बात है तो 175,000 फॉलोअर्स हैं तो ये फॉलोअर्स आपके जेन्युइन हैं क्या पसंद करते हैं फॉलोअर्स आपके आप में बिल्कुल मेरे जो 175,000 फॉलोवर्स है वो पूरी तरह से जेन्युइन है बिकॉज मैंने एक एक फॉलोवर्स के लिए बहुत मेहनत किया है बहुत एंड मेरे फॉलोवर्स मेरे वो कंटेंट पसंद करते हैं जो कि मैं फैमिली के साथ शेयर करती हूँ बना करके मेरा जो फैमिली कंटेंट होता है या फिर मेरा ड्रेसअप लाइफ स्टाइल मेरा ब्यूटी टिप्स मेरा जो डेली का मतलब वो कंटेंट जिसको सब लोग देख सकता है यस कोई उसमें फालतू की चीजें नहीं होती नहीं बिल्कुल भी नहीं उसमें कोई भी ऐसा मेरा कंटेंट नहीं होता है मेरे आईडी पे जो कि लोग नहीं देख सकते हैं उनको प्राइवेट देखना हो बिल्कुल भी नहीं अच्छा एक बात ये है कि जनरली हस्बैंड जो होते हैं वो रोकते हैं कि ये क्या है या जनरली अच्छी फैमिली रोकती है कि ये सब क्या रील बना रहे हो ये सब नए नए लड़कियों का काम है आपके हस्बैंड पुलिस में है तो उन्होंने रोका आपको या सपोर्ट किया नहीं बिल्कुल भी नहीं मेरे हस्बैंड स्टार्टिंग से ही मेरे सपोर्ट में है एंड अभी तक मेरा सपोर्ट कर रहे हैं एंड सबसे अच्छी बात है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी भी है घर में सेलिब्रिटी कौन है आप या आपके हस्बैंड हम दोनों हैं नहीं मुझे लगता कि आप ही हैं बिल्कुल नहीं तो आप उनको अपना सेल्फी पैसा लेके देती हैं कि ऐसे ही सेल्फी दे देती हैं हस्बैंड को नहीं बिल्कुल नहीं क्योंकि जनरली लोग जिनके फॉलोअर्स बहुत हो जाते हैं वो बोलते हैं ठीक है होता है कभी कभी इनकेस होता है कि हमें थोड़ा सा अपना नहीं वो दिखाना है तो हाँ तो इनकेस आप वो नहीं एक तो आप ऑलरेडी पत्नी इतने सारे फॉलोअर्स लेके बैठी हुई है आप इसको हमेशा के लिए इस्तेमाल कर नहीं बिल्कुल नहीं तो अच्छा क्या मैसेज होगा उन सारी लड़कियों के लिए जो बहुत घर में रहती हैं जिनका बहुत मन करता है कि वो रील्स बनाए लेकिन उनको आइडिया नहीं पता चलता है कि यार क्या बनाए कैसे बनाए क्यों बनाए तो सबसे पहली बात मैं उन लड़कियों को जो कि कॉलेज स्टूडेंट है एंड उन लेडीज को जो कि हाउसवाइफ है एंड वो उन्हें लगता है ना कि हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय अपने स्टडी के या फिर घर के कामों के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है आप वो चीजें कर सकते हैं डेफिनेटली सपोज डैट अगर आप कोई भी वीडियो क्रिएट करने में इंटरेस्टेड है अगर डांस हो सिंगिंग हो या फिर आप कोई अच्छा सा डिश बनाती है खाना बनाने में आप इंटरेस्टेड है तो वो सारी चीजें भी आप क्रिएट करके एक रील्स के जरिए आप अपने सोशल मीडिया आईडी पे शेयर कर सकते हैं जिससे कि लोग पब्लिकली देखें एंड उस चीज को एंजॉय करें क्या बात है आपके शौक क्या है एंड मेरे जो शौक है मेरा तो यही है
एंड फाइनली मैं इस लाइन को इस वजह से ही चुनी क्योंकि मुझे काफी अच्छा लग रहा है एंड काफी इंटरेस्टेड हूँ मैं इस चीज में। तो चलिए, बहुत अच्छी बातचीत हुई शिवानी से और उनके हस्बैंड से भी बात करेंगे, उनसे एक गाना सुनेंगे, छोटा सा ब्रेक है। से प्यार का सहारा देखो मोबाइल एक मिनट में आरो फोन तो बेटा बस एक मिनट वो वाला गाना कि आज ही मैंने बदले हैं कपड़े आज के नहाए एक मिनट दो इश्क में हम क्या बताएं इस कदर चोट का है ये तो प्लीज मत गा दीजिएगा मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगी तुम सर आए तो जाएंगे नहीं आसानी से 90s का हमको पसंद ज्यादा है कुमार सानू जी का ज्यादातर उस टाइप को ना। आपने मेरा प्रोफाइल देखा है एक बार देखिए मेरा प्रोफाइल एक मिनट दो ना एक मिनट के लिए दो ना गलत बात है ना फिर दे रहे ना उसके बाद फिर बोलना ठीक है। क्या नाम है आपका उसको बता दे आप बहुत नाम तो क्या बेटा नाम बताया नहीं सुनाई दिया फिर से बोलो बताओ जा इसको अपना नाम ही नहीं याद है नहीं याद है ना बोल रहा बता दिए ना तुम भूल गए अपना नाम ना। शिवानी जी के पति हमारे साथ हैं जी आपका नाम क्या है राजकिशोर पटेल राजकिशोर जी पुलिस में है लेकिन घर में इनकी चलती है घर में मतलब सब कुछ यही है तो आप गाते भी हैं मैंने सुना है तो हाँ, अपनी पत्नी को डेडिकेट करते हुए कोई गाना हाँ गाते भी हैं और सबसे पहले इनको हम यही गाना सुनाए थे अच्छा जब सुना रहे हैं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना क्या बात तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना तुमसे मिलकर तुमको है बताना ओ धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना जब से तुम्हें देखा दिल को कहीं आराम नहीं क्या बात मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं क्या बात जब से तुम्हें देखा दिल को कहीं आराम नहीं ड्यूटी ठीक से करते मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं आजा आजा अब कैसा शर्माना तुमसे मिलकर तुम्हें है बताना तो ये धीरे धीरे से आप आई थी कि पूरा धड़ाम से आ गई थी देखिए भाई पुलिस वाले हैं लेकिन कुछ नहीं चल रहा है बीवी का ही सब कुछ चल रहा है धीरे धीरे सब बताए हैं अभी तक नहीं सब बताएं कुछ बचा हुआ बताना नहीं नहीं सब बता चुके हैं सब बता चुके हैं सब जानती हैं ऑब्वियसली सब कुछ जानते हैं सब कुछ जानते हैं तो बाहर रहते हैं तो नकेल आपके पास रहती है ना अब तो एक दूसरे के साथ पांच साल बीत चुका है तो भाई मैसेज यही है कि आप कोई भी जॉब में हो घर में पत्नी की ही चलती है और देखिए बेचारे शायर और गायक भी हो गए और धीरे धीरे से ये आई थी लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हम तो दरवाजा तोड़ के आए थे तो चलिए राजकिशोर जी शिवानी जी आप दोनों की जोड़ी बहुत जबरदस्त है बनी रहे और आप दोनों गर्दा उड़ाते रहिए थैंक यू सो मच थैंक यू नहीं हुआ क्या तो भाई शिवानी जी के पति हमारे साथ हैं जी आपका नाम क्या है ठीक है गाइस तो अभी हम आए हैं विजेता सर से मिलने एंड इनसे ही जानते हैं कि ये कौन है एंड इनका वर्क क्या है ये कहाँ से है ओके तो इनसे पूछते हैं सर प्लीज अपना इंट्रोडक्शन भाई मेरा नाम आरजे विजेता है मेरा नाम तो विजेता है बट मैं आरजे हूँ और आरजे विजेता कहलाता हूँ शाम को 5 से 9 तक हर दिन मतलब मंडे टू सैटरडे शो करता हूँ 91.1 FM पर बोले तो रेडियो सिटी पर और मैं एंटरटेन करता हूँ लोगों को और ऐसे लोगों से मिलता हूँ शिवानी जी जैसे लोगों से जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और डिजिटली काफ़ी एक्टिव हैं और हम लोग रेडियो से भी एक्टिव हैं डिजिटली भी एक्टिव हैं अब एक्टिव पूरा है भाई शिवानी जी बाप पूरा है बहुत ऐसी ऐसी महिला को इसलिए तो दारू हटा दिए आई बिलीव ओनली मेहरारू नो दारू मेहरारू आगे बढ़े तो यही है कि आप लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छा करते हैं तो सब चीजें बहुत अच्छी रहती बिल्कुल अभी सर ने कहा ओनली वाइफ बिल्कुल भी दारू नहीं तो आप लोगों का क्या कहना है वाइफ का चलता है एंड वाइफ का चलना चाहिए या नहीं या फिर दारू का सुनिएगा
नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग क्या चूज कर रहे हैं, वाइफ या फिर दारू, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। एंड ये है विजेता सर, इनसे मिलकर के काफी अच्छा लगा। या आप मुझे आरजे विजेता कहीं भी सर्च करेंगे आप गूगल पे, तो इनका गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, इंस्टा आईडी भी इनका है, इंस्टा पे भी आप सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे भी है। ओके, फेसबुक पे भी है, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इनका मैं यहाँ पे आईडी भी मेंशन कर दूंगी नीचे। ओके, तो काफी अच्छा लगा सर से मिलकर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। Hey guys, तो फाइनली हमारा जो इंटरव्यू था विजेता सर के साथ में वो हो चुका है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। ओके, एंड फिलहाल वहाँ से निकलने के बाद हम चल रहे हैं घर की ओर। एंड पहले घर पहुंचने से पहले अभी थोड़ा सा मार्केट का कुछ काम है, तो देखते हैं वो करने के बाद फिर हम निकलेंगे घर। हे गाइस, तो ये था मेरा फर्स्ट इंटरव्यू वीडियो। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड वीडियो हेल्पफुल लगा तो शेयर जरूर करना, एंड कमेंट में गणपति बप्पा मौर्य लिखना मत भूलना। चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।